क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने बड़े ही शानदार तरीके से अपने T20 करियर का अंत किया। पहले तो उन्होंने T20 विश्व कप 2024 की ट्रॉफी बारबाडोस में भारतीय टीम को दिलाई। उसके बाद ट्रॉफी उठाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बड़े ही साधारण तरीके से ऐलान किया कि वो अब T20 इंटरनेशनल मुकाबले नहीं खेलेंगे। इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब रोहित शर्मा वनडे सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच चुके हैं, जिस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। सवाल उठने लगे हैं, क्या रोहित शर्मा भी शाहिद अफरीदी की तरह संन्यास को वापस लेंगे? क्या एक महीने पहले घोषित किए गए संन्यास से रोहित शर्मा बाहर आ जाएंगे और वो फिर से T20 मुकाबले खेलेंगे? दरअसल कोलंबो में श्रीलंका वर्सेस इंडिया वनडे मुकाबले से पहले रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुझे एक महीने का आराम दिया गया था और जब कोई बड़ा टूर्नामेंट खेला जाएगा तो मैं फिर से T20 मैचेस खेलूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे पहले भी T20 मैचेस से आराम मिलता था, मैं उसी आराम के फेज में हूँ और जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो हमें वापस बुला लिया जाएगा। हालांकि रोहित शर्मा ने ये सारी चीजें मजाक के तौर पर कही, लेकिन उनके फैंस को ये लग रहा है कि उन्होंने अपने जूते अब तक नहीं लटकाए हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से T20 इंटरनेशनल से अलग नहीं हुए। हालांकि ये बात अलग है कि रोहित शर्मा अगर अपने संन्यास से वापसी करते हैं और अगला T20 विश्व कप खेलते हैं तो उस वक्त उनकी उम्र 39 साल हो जाएगी। लेकिन रोहित शर्मा के इस बयान ने पूरी इंटरनेट में हलचल मचा दी है। रोहित शर्मा 29 जून के बाद अब क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। ये वो तारीख है जो हजारों भारतीय फैंस के मन में बस गई है और दिमाग में छप गई है। हालांकि विश्व कप जीत अब एक इतिहास बन चुका है। रोहित शर्मा ने जोर देकर ये कहा कि अब हमें नए हेड कोच के साथ आगे भी काफी कुछ देखना है और सबसे महत्वपूर्ण चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी तैयारी कोलंबो में शुक्रवार से शुरू हो गई। भारतीय टीम ने श्रीलंका में बेहतरीन शुरुआत की और श्रीलंका को तीनों मुकाबले जीत कर सीरीज हराई। गंभीर सूर्यकुमार यादव फेस की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी, क्योंकि हर मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका से बेहतर प्रदर्शन किया। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी खबरों के लिए क्रिकेट फ्रेंजी को अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें।